पास्ट होता था माजी यानी गुजरा हुआ जमाना और इंडेफिनेट जिसका कंफर्म ना हो, जिसका पक्का। अच्छा, बहुत अहम टेंस है, समझने वाली बात है। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो एक वर्ड होता है जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये टाइम के बारे में बताते हैं और बाकी जो वर्ड है लाइक इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस ये किसके बारे में बताते हैं, काम के बारे में। तो ये तो इसने हमें बता दिया पास्ट माजी की बात है, ये टाइम बता दिया माजी का। इंडेफिनेट अब इसमें काम बताया, काम कौन सा है जो पक्का, इंडेफिनेट मतलब होता है जो पक्का ना हो। तो काम के बारे में क्या होता है, पक्का नहीं है कि काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो ये इंडेफिनेट है, इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। बाकी जितने भी मैंने आपको टेंसेस पढ़ाने हैं इंडेफिनेट के अलावा उसमें क्या होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है ताकि टाइम स्पेसिफाई किया जाए कि इस टाइम पे काम हो रहा है। टेंसेस भी मैंने आपको यही समझाया था कि इंडेफिनेट और बाकी में ये फर्क है कि इंडेफिनेट में हमने क्या करना होता है, हमें टाइम की जरूरत नहीं होती एग्जैक्टली टाइम की, हमें सिंपली प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बताना। इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत नहीं होती इंडेफिनेट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्टली डिफाइन करता है टाइम को, किस टाइम पे काम हो रहा है। लाइक जैसे ही इज प्लेइंग नाउ, अक्सर आप देखेंगे जब आगे हम हाई लेवल में जाके पढ़ेंगे तो हर टेंस के साथ एक खास वर्ड लगेगा जो बताएगा कि काम कब हो रहा है। जैसे ही इज प्लेइंग नाउ, तो ये इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि काम इस टाइम पे हो रहा है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा और हमें काम का भी कंफर्म होगा कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इंडेफिनेट में हमें काम का पता नहीं कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है, इसके बारे में कंफर्म ना, माजी में ऐसा काम इसके बारे में हमें कंफर्म ना होगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ठीक है। मोस्टली ये टेंस तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने पास्ट रूटीन या हैबिट के बारे में बात करते हैं। इसलिए पास्ट रूटीन या पास्ट हैबिट जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सिगरेट पीता था, अब नहीं पीता लेकिन पहले पीता था, या क्रिकेट खेलता था आप क्रिकेट नहीं खेलता। तो ये मेरी जो पास्ट की हैबिट है, जो पास्ट की मेरी रूटीन है वो बताती है। उसके अलावा कोई ऐसा काम जो रिसेंटली खत्म हुआ है, क्लियर, लेकिन उसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। एक काम हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखते हैं इसको हम। अच्छा जी, पास्ट का मतलब तो क्या हो गया, माजी, और पास्ट में हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, था, थी और थे। बताने की जरूरत नहीं, था मेल एक के लिए, थी फीमेल एक के लिए और थे ज्यादा के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। अच्छा, अब इंडेफिनेट मतलब जो काम जिसके बारे में पता नहीं है कंफर्म कब खत्म हो रहा है कब हो रहा है शुरू हो रहा है। तो मैंने क्या बेचारा टाइम बीइंग, आप इसका मतलब ले लेते हैं तो हमारा जो इसकी क्या कहते हैं पहचान क्या आ जाएगी, था, थी, थे। उसके अलावा अगर फिक्रे के एंड पे ये लिख या आ जाए या बड़ी ये आ जाए तो तब भी हम उसको पास्ट इंडेफिनेट के जुमले में लाएंगे। यहाँ तक समझ आ गई, पहचान तो हमें समझ आ गई। अच्छा, अब इसका निकालते हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, क्योंकि अभी मैं सारे आपको अफर्मेटिव करवाऊंगा, इसमें नेगेटिव हम बाद में करेंगे, तो अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम करते हैं मेन वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनेट ओनली टेंस है जिसमें कौन सी फॉर्म वर्ब आती है, सेकंड फॉर्म। आपको जो पढ़ाया था मेरे टेंसेस वाली क्लास में तो मैंने सब बता दिया था, आपको एक ट्रिक बताई थी इस टेंस में कौन सी फॉर्म आनी है। तो पास्ट इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आनी है। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारी बात चल रही। आगे हम इसको करते हैं वो। अच्छा, एक तो हमारी पहचान जगह था आ गया और ता आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। और मैंने आपको क्या बताया, कोई काम अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, वो टूल गया। एंड से आप देखिए ये विचार है तो क्या हो गया, इसको हम इसी कैटेगरी में लेके आएंगे पास्ट इंडेफिनेट। अच्छा, अब हम अपने फार्मूले के मुताबिक काम करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और वर्ब हमारे पास एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या, वो मेल है, सिंगल ही, काम का जाना ही, वो सेकंड फॉर्म में आएगी, ही वेंट टू स्कूल। अच्छा, जो हमारे पास दूसरा है वो स्कूल गया, इसके लिए भी सेम ही हम यूज करेंगे, ही वेंट टू। यहाँ तक बात समझ आती है। पूरे पैटर्न से काम करेंगे, इसमें नाउन हम इस्तेमाल करेंगे, सिंगल प्लूरल नाउन, और सारे प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, अली स्कूल जाता था। तो सब्जेक्ट हमारे पास अली, काम का जाना अली, वेंट टू, यहाँ तक कोई मसला। अब हम इसको प्लूरल बनाते हैं, अली और आयशा स्कूल जाते। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अली एंड आयशा। आगे करते हैं, वो स्कूल जा रहा था, एक मेल है सिंगुलर तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ही वन टू। आगे करते हैं हमको, मैं स्कूल जाता था। तो सब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे मैं मीन आए, काम का जाना आई वेंट टू, अब हम स्कूल जाते थे। तो आई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, हुई। और साथ साथ देखना पेपर जो मैंने आपको दिया प्रोनाउन के और हेल्पिंग वर्ब के, उसको टैली करते जाए साथ साथ, ठीक है। हम स्कूल जाते थे, आगे हमारे पास तुम स्कूल जाते थे, तो तुम की इंग्लिश क्या है यहाँ पे, यू वेंट टू। नेक्स्ट है हमारे पास वो स्कूल जाता था, हमने कर लिया, हम कहते हैं वो स्कूल जाती। तो अब फीमेल भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी वेंट लास्ट में हमारे पास वो स्कूल जाते थे, तो वो जाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास दे वेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इन दो वर्ड की मदद से हमने सब कुछ करना है। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको जो पेपर दिए थे 4-8 इसको सेंटेंसेज हैं, वो आपने ना सबको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में, उसकी ट्रांसलेशन करनी है।